ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए आपको सीधा लिए चलते हैं जहां मध्य प्रदेश पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान अपना संबोधन दे रहे हैं। एक मोहल्ले में कोई पॉजिटिव पेशेंट मिलता था तो हड़कंप मच जाता था। तब जब लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, लेकिन अगर सड़कों पर कोई चल रहा था तो हमारी पुलिस के जवान, हमारे अफसर अपनी जान हथेली पे रख के जनता की जिंदगी बचाने के काम में लगे हुए थे और शहादत दी है हमारे लोगों ने जनता की जिंदगी की सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। मैं इस बलिदानी परंपरा के लिए भी मध्य प्रदेश पुलिस को प्रणाम करता हूं। एक नहीं अनेकों उपलब्धियां हमारे खाते में है और मुझे पूरा विश्वास है किसी कर्तव्य निष्ठा के साथ मध्य प्रदेश पुलिस अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ती हुई, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करती हुई न केवल मध्य प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखेगी बल्कि देश में सर्वश्रेष्ठ काम करके दिखाएगी। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। विकास हो चाहे जन कल्याण हो, उसकी पहली शर्त है शांति। कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, हर विकास बेमानी हो जाता है अगर कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं होती। मरते शांति का डाकू कहा जाता है। बड़ी कानून और व्यवस्था की समस्या कोई हमने बचने नहीं दी। जीवित समाज में कुछ घटनाएं होती है लेकिन उनपे भी जो त्वरित कार्रवाई होती है मैं उसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस को बहुत बहुत बधाई देता हूं। रियल टाइम कार्रवाई, हमने कई तरह की नई योजनाएं प्रारंभ की। अब डायल 100 हमारी ऐसी सेवा है कि कभी कहीं से डायल कीजिए, गाड़ी लेकर पुलिस जवान पहुंच जाएंगे। मुझे एक बात के लिए और गर्व है, शायद मध्य प्रदेश ने सबसे पहले प्रारंभ किया 100 डायल भी, और मध्य प्रदेश पुलिस में 30% भर्ती हमने बेटियों की करने के महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए हैं। और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि हमारी बेटियां भी स्वरी का जो प्रकटीकरण कर रही है वो कानून और व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण है। महिला डेस्क की परंपरा, EFIR, ई विवेचना, हमारे SF के जवान, हमारा होमगार्ड, अभी हमने देखा बाढ़ के समय विनाशकारी बाढ़ थी इसी साल चंबल में, ग्वालियर में, लेकिन हमने, हमारे जवानों ने, हमारी पुलिस ने, हमारे प्रशासन ने जान जोखिम में डाल के भी लोगों को मध्यप्रदेश पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर अपना संबोधन दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है जिसके चलते आगे भी ये हर साल दिवस मनाया जाएगा।